गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास टू की मैथ की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 182, डेट जिसकी 2 मार्च 2021 रहेगी। बच्चों देखिए, नया महीना शुरू हो गया है, मार्च लग गया है और ये आप लोगों की 2 मार्च की वर्कशीट है। तो बच्चों, अपना नाम और अपनी टीचर का नाम आप पहले से ही लिखते आ रहे हैं और बच्चों आपको वर्कशीट जरूर करनी है, क्योंकि आज जो अब आपके असेसमेंट होंगे उसमें आपके वर्कशीट के मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो श्याम चाचा जी की दुकान, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रवीश जब भी श्याम चाचा की दुकान पर सामान लेने जाता, उनको उंगलियों पर हिसाब करके देखकर हैरान हो जाता। आज जब वह दुकान पर एक बिस्कुट का एक पैकेट लेने गया तो उसने पूछा, चाचा जी, आप अपनी उंगलियों पर इतनी जल्दी जल्दी हिसाब कैसे कर लेते हो? चाचा जी ने रवि से कहा, उंगलियों पर गिनकर। जैसे एक बिस्किट का पैकेट 15 रुपये का आता है और तुमने मुझे 20 रुपये दिए हैं, तो मुझे तुम्हें कितने रुपये वापस देने होंगे? ये मैं अपनी उंगलियों पर गिन लेता हूँ। क्योंकि बच्चों देखो, आपकी एक हाथ में हमारी 5 उंगलियां होती हैं और एक उंगलियों में हमारे 3 पोरू होते हैं, तो हम एक हाथ से 15 की गिनती कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका आगे दिया गया है वर्कशीट में, जिसमें मैं आपको आगे समझा दूंगी। देखो, 20 में से, देखो ये कह रही हूँ बच्चों मैं आप लोगों को, कि आप लोगों की देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 में से जितने भी घटाने हमें हैं वो हम एक हाथ से कर सकते हैं। अगर देखो हमें 15 में से 6 घटाने हैं तो हम ये 6 घटा लेंगे और बचे बाकी गिन लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे 9 बच जाएंगे। इस तरह से कर लेते हैं हम। इसी तरह से उन्होंने 20 में से 15 कम करने पर घटाया है तो चाचा जी रविश को 5 रुपये वापस देंगे, क्योंकि 15 का तो उन्होंने इस तरह से अंदाजा लगा लिया और 5 और गिन लिया उन्होंने, है ना। तो 20 में से 15 घटाने के बाद हमारे बचे 5, तो बच्चों 5 रुपये वापस देंगे चाचा जी। उंगलियों पर गिनना है लाजवाब, चुटकी में होता सारा हिसाब, ना कोई खर्चा ना कोई फीस, उंगलियाँ हैं 10 पर गिनो पूरे 30। तो बच्चों, एक हाथ पर हमारे 15 गिने जाते हैं, दूसरे हाथ पर भी 15 गिने जाएंगे, तो टोटल मिलाकर हम दोनों हाथों पर 30 नंबर गिन सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब आप भी नीचे दी गई तालिका को रवीश के साथ मिलकर पूरा कीजिए। चलिए कर लेते हैं। 20 में से 12 कम करें हैं, देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितने हो गए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बच गए। 12 में से 20 में से 12 कम करने पर हमारे 8 बच गए। इसी प्रकार से हम 22 में से 11 कम करेंगे तो बच्चों हमारे बचेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 कितने बचे इनको गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने बचे बच्चों हमारे? 11। आप लोग यहाँ पे लिख लेना 11। ठीक है, 22 में से हम 11 कम करेंगे तो हमारे बच जाएंगे 11। इसी तरह से हम 35 में से 23 कम करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे? देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35। अब इनको काउंट कर लेते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने बचे बच्चों? 12। समझ में आ रहा है? 35 में से 23 अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास 12 बचेंगे। इसी तरह से 50 में से 38 हम करेंगे तो देखो नीचे करके बता रही हूँ, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। इनको काउंट कर लो बच्चों कितने हुए,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने बचे बच्चों हमारे पास? 12 बच गए। तो हमने 22 में से 11 कम किए तो हमारे पास 11 बच गए, 35 में से 23 कम किए तो हमारे पास 12 बच गए, 50 में से 38 कम किए तो भी हमारे पास 12 बच गए। तो बच्चों आप बारी बारी से अपने दोनों हाथों की छाप कागज पर लेकर ऊपर दिए गए चित्र की तरह से हाथों की उंगलियों पर गिनती लिखिए। तो अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों से हाथों की साफ सफाई के बारे में बातचीत कीजिए, जैसे नियमित रूप से नाखून काटना, खाने से पहले व बाद में हाथों को धोना, और साथ ही बच्चों आपको अपनी इन जो गणित के अभ्यास पुस्तिका है, वर्कबुक है, उससे पेज नंबर 108 व 109 भी करना है। तो बच्चों आपको पूरे हाथ को 15 नंबर और दोनों हाथ को आपको 30 नंबर मानकर उसमें से घटाते जाना है, जितना भी नंबर आपको घटाने के लिए दिया गया है। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।